इन्फिनिक्स 035G। आप भी लेने वाला हो तो इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एंड इन्फिनिक्स 035G सच में गेमिंग के लिए लेना चाहिए एंड लेना ठीक होगा क्या, तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। मेरे को मालूम है कोई भी यूट्यूबर ऐसा डिटेल में बात नहीं करते जैसे हम करते, तो आपको क्या करना है, आप लोग को सिर्फ एक लाइक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो लाइक ठोक दिया तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो मेरा प्यारे प्यारे भाई लोग, आप लोग कैसे हो? आई होप सब लोग एकदम बढ़िया। तो गाइस पहले आप लोग बोलो, आप लोग कैसे हो? मेरा बात तो छोड़ दो। तो गाइस आप लोग अच्छा हो ना? तो गाइस जो भी लोग अच्छा है उन लोगों का सामने मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, तो रिक्वेस्ट यही है आप लोग एक लाइक कर दो, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मेरा 100 लाइक का बराबर है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट देता है आप लोगों का एक लाइक का वजह से। तो गाइस लाइक हो गया, तो गाइस चलो डन। तो गाइस अभी बात करते हैं इन्फिनिक्स 035G का बारे में। तो पहले आता हूँ इस मोबाइल के अंदर कॉन्सेप्ट प्रोसेसर है, क्योंकि मेरे को पूरा मालूम है आप लोग इस वीडियो के अंदर क्लिक किया सिर्फ और सिर्फ गेमिंग का रिलेटेड बात सुनने के लिए। तो गाइस देर किस बात का? तो गाइस पहले आता हूँ इस मोबाइल के अंदर कॉन्सेप्ट प्रोसेसर है। तो गाइस इस मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 8020 एंड ये जो प्रोसेसर है डायमेंसिटी का 8020 ये एक 6 नैनोमीटर चिप है, मतलब बहुत ऑप्टिमाइज जैसा एक चिप लगाया गया है इसका ऊपर, इस मोबाइल का ऊपर इन्फिनिक्स 035G का ऊपर। तो इस ऑप्टिमाइजिंग 6 नैनोमीटर चिप प्लस डायमेंसिटी का 8020 का अंदर जो अंतर स्कोर निकल का आया है वो है 7 लाख का आसपास, मतलब बहुत बढ़िया स्कोर निकल का आया है। तो पहले आप लोगों को मैं बोला था मैं पूरा डिटेल में सब कुछ इस वीडियो का अंदर चेक करने वाला हूँ। तो गाइस पूरा प्रोसेसर का पूरा छोटा सा ऊपर सा पूरा नीच का पूरा सब कुछ मैंने आप लोगों का साथ शेयर कर दिया। तो गाइस कैसे लगा इस छोटा सा वॉइस ओवर? तो गाइस अभी बात करता हूँ डिस्प्ले। तो गाइस आप लोग को मालूम है डिस्प्ले जो है गेमिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। तो गाइस इस मोबाइल का अंदर जो डिस्प्ले है वो 6.67 इंच का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो 395 PPI का साथ आता है एंड इस मोबाइल का अंदर जो रिफ्रेश रेट है, मतलब इस इन्फिनिक्स 035G के अंदर जो रिफ्रेश रेट है वो है 144Hz का, मतलब बहुत ही बढ़िया स्मूथ डिस्प्ले है एंड इसका पीछे जो गोल्डा ग्लास का प्रोटेक्शन है वो 5, मतलब बहुत ही बढ़िया एंड इसका बेजल लेस विथ 5 होल डिस्प्ले आप लोगों को मिलता है, मतलब ठीक है ठीक ठाक है 5 होल ही चलता है इस दुनिया में अभी। तो गाइस अभी बात करते हैं मेन चीज़। तो गाइस मेन चीज़ क्या है? तो गाइस मेन चीज़ यही है, मेरे को भी पता है आप लोगों को भी पता है। तो गाइस मेन चीज़ है BGMI एंड PUBG का अंदर कौन सा ग्राफिक सपोर्ट करता है इस इन्फिनिक्स 035G। तो गाइस इस चीज़ को बोलने से पहले आप लोग एक लाइक तो कर दो गाइस, इतना तक तो वीडियो देख लिया एक लाइक कर दो ना गाइस। तो गाइस इस इन्फिनिक्स 035G का अंदर आप लोग को BGMI एंड PUBG का अंदर जो ग्राफिक्स मिलता है वो है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम। तो गाइस आप लोग को थोड़ा कम ही लग रहा है बट वेट करो वीडियो आएगा, क्योंकि 90 FPS बहुत ही जल्दी आएगा इस इन्फिनिक्स 035G के अंदर एंड उस अपडेट बहुत जल्दी आएगा इन्फिनिक्स 035G के अंदर एंड उस अपडेट में बहुत ही जल्दी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों का साथ। तो जो भी लोग इन्फिनिक्स 035G को लेने वाला हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि जब भी अपडेट देगा 90 FPS का मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों का सामने शेयर करने वाला हूँ एंड आप लोगों का साथ में पूरा इस वीडियो उस अपडेट का पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग क्या कर रहे हो सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अभी बात करता हूँ कैमरा, क्योंकि मैं कैमरा का उतना ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, तब भी कैमरा तो दिया है मोबाइल के अंदर बात तो करना ही होगा। तो गाइस अभी आता हूँ कैमरा। तो गाइस इस मोबाइल का पीछे जो आप लोगों को कैमरा मिलते हैं, मतलब बैक साइड ठीक है, वो है 108, मतलब 108 MP का, 108 भाई 108, बट काम करेगा कितना, बट मेरे को लग रहा है बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स वालों ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है अभी, रेडमी का बाजार ले रहा है इन्फिनिक्स। तो उसका पीछे 108 MP कैमरा है इन्फिनिक्स 030 का पीछे एंड फ्रंट में आप लोगों को मिलता है
तो गाइस फॉन्ट का अंदर जो कैमरा यूज़ किया गया है वो आप लोग कभी सोचिए ना होगी, क्योंकि फॉन्ट का अंदर कभी भी ऐसा फ़ोन नहीं निकला जो 50 MP का साथ आया। बट इस इन्फिनिक्स 035G का अंदर आप लोगों को 50 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो गाइस आप लोग सोच लो 50 MP का पीछे कैमरा होता है वो सेल्फी का अंदर दे दिया, मतलब कितना बढ़िया इन्फिनिक्स वालों ने इस काम किया। तो गाइस कैमरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को पूरा शेयर कर दिया, बट उतना अच्छा से शेयर नहीं किया क्योंकि मैं कैमरा का उतना ध्यान नहीं देता, मेन ध्यान देता हूँ गेमिंग का अंदर। तो गाइस अभी बात करता हूँ बैटरी का। तो इस मोबाइल का अंदर जो बैटरी लगाया गया है वो 5000 mAh के बैटरी है एंड 68W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है एंड USB Type-C पोर्ट है जो चार्जिंग केबल का साथ हम लोगों का सपोर्ट देता है, ठीक है। तो अभी आता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग। पहले मैं आप लोगों को बोला था मैं पूरा डिटेल में बात करता हूँ, तो अभी बात करता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम का जो सपोर्ट दे दिया है इस मोबाइल का अंदर। तो बहुत सारा लोग ऐसा होता है, ठीक है, जो मोबाइल ख़रीदता है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए, मतलब यूट्यूब का अंदर वीडियो डालता है, ब्लॉग्स वगैरह एंड मॉन्टेज PGMI पबजी का मॉन्टेज गेम प्ले। तो उनके लिए इस मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो वीडियो का रिकॉर्डिंग है वो बहुत ही अच्छा दे दिया है, क्योंकि इस मोबाइल का अंदर आप लोग को 4K में 60 FPS मिलता है जो और कोई ब्रांड का अंदर इतना कम प्राइस में नहीं मिलता है। तो इस मोबाइल बहुत ही बढ़िया है आप लोगों के लिए। तो इस इन्फिनिक्स 035G आप लोग बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो। तो यही था इस मोबाइल का पूरा स्पेसिफिकेशंस इस इन्फिनिक्स 035G का। तो गाइस अभी बात करता हूँ प्राइस। तो गाइस इस इन्फिनिक्स 035G का जो प्राइस है वो 25,000, मतलब 24,999, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 का अंदर आप लोगों को मिलता है। तो गाइस इसका बाद आप लोग सोच लो आप लोगों को इस मोबाइल लेना चाहिए क्या नहीं, मैं तो पूरा डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। तो गाइस आज का वीडियो का अंदर सिर्फ इतना ही बोलने वाला था, कैसे आप लोग इस मोबाइल को बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे जो भी अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ऐसा था रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो एंड इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो आप लोग, तो इंस्टा पे फॉलो कर लो। तो गाइस चलो टाटा बाय, लोग अच्छा रहना। तो गाइस चलो।